अस्सलाम वालेकुम, दिस सर इसे नेटवर्क एंड वी स्पेयर एडमिनिस्ट्रेटर। हमारा आर एच सी ए सेरेड है, सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स है, बैच वन चल रहा है। ये सेशन नंबर 6। तो आज है 6 दिसंबर 2022 ट्यूजडे है, और आपको टाइम टेबल दिखाऊँ तो ये देखिए, आज ट्यूजडे है 8 to 9 PM क्लास होगा। इसके बाद फिर थर्सडे को क्लास होगा, वेनजडे को छुट्टी होगी, फिर वो क्लास 9 to 10 PM होगा। सही, तो हमने पढ़ा था कहाँ तक, चलिए आपको बताता हूँ। हमने पढ़ा था रफ नोट्स में यहाँ तक कि शेल जो है ना, शेल ये बेसिकली अपर लेयर होता है कर्नल और हार्डवेयर का, यानी कर्नल और हार्डवेयर से ऊपर होता है, और शेल लोअर लेयर ऑफ एप्लीकेशन लेयर, यानी शेल जो है एप्लीकेशन लेयर से छोटा लेयर है। यहाँ तक हमने पढ़ा था, और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। और अगर हम लेक्चर के लिए आपसे देखें ना, तो हमने लेक्चर 5 तक यहाँ तक पढ़ा था, आज हम लेक्चर 6 से यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो रजिस्टर उठाइए, नोट्स बनाना स्टार्ट करें। लेक्चर नंबर 6, लिनक्स कोर्स। Congratulations, Linux course chapter 1, Introduction to Linux is finished successfully here. यानि 5 लेक्चर हमने कंप्लीट किए, उसमें आप लोगों को मुबारक हो। हमने चैप्टर 1 जिसका नाम था इंट्रोडक्शन टू लिनक्स, वो मुकम्मल तौर पर समझा और कामयाबी से ख़त्म किया यहाँ पर। अब हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है लिनक्स डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। जो चैप्टर टू स्टार्ट हो गया है, जिसका नाम है लिनक्स डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। तो दोबारा बताता हूँ, चैप्टर 2 स्टार्ट हो गया है, इसका नाम है लिनक्स डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। क्या मतलब ये कि जैसे मेरे पास विंडो होता है ना, उसमें फोल्डर होता है ना, फोल्डर उसका स्ट्रक्चर होता है कि फोल्डर के अंदर फाइल्स होती हैं, सही है ना, PNG फाइल, .mp3 फाइल, .mp4 फाइल, .wmv फाइल, इस तरह फाइल होता है, .mov फाइल, .pdf फाइल, इस तरह .doc फाइल, .docx फाइल। तो इस तरह ये विंडो का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है। जिससे हमारे पास आपको रियल लाइफ एग्जांपल दिखाऊँ ना, तो यहाँ पर जरा ये दिस पीसी में, और यहाँ पर नोट कीजिए ना, तो ये चारों ड्राइव में सिर्फ वाइट सी ड्राइव है जहाँ पर ये विंडो का लोगो है, मतलब एक विंडो इस पर इंस्टॉल है ना। इसमें देखिए, ये विंडो का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है, यानी फोल्डर स्ट्रक्चर है। देखिए सारा पूरा फोल्डर का स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं, हमको दिखाऊँ, इसमें सोर्स फाइल है विंडो के। अगर हम यहाँ पर मजीद है ना, तो प्रोग्राम्स फाइल आप देख सकते हैं, ये सारा हमारे पास विंडो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है। इसमें आप यूजर्स का फोल्डर देख सकते हैं, ये देखें इस तरह। तो इस तरह लिनक्स में भी एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होता है, सही। थ्रू डायरेक्टरी, एक बार बताओ डायरेक्टरी के बारे में, डायरेक्टरी होता क्या है, सही, क्या आप लोगों को कन्फ्यूजन होगी ना कि डायरेक्टरी आप किसे कहते हैं। तो लिनक्स में हम कहते हैं क्या चीज, डायरेक्टरी, और विंडो में हम क्या कहते हैं, फोल्डर। तो मतलब डायरेक्टरी का मतलब है फोल्डर, मगर फोल्डर उसे विंडोज में कहते हैं और लिनक्स में डायरेक्टरी कहते हैं, सही, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, थ्रू डायरेक्टरी विच इज ऑल्सो नोन एज फोल्डर। वही बात जो मैंने अभी कही ना, कि डायरेक्टरी को हम क्या कहते हैं, फोल्डर। वी कैन नो विच डेटा इज इन विच डायरेक्टरी और फोल्डर। डायरेक्टरी के जरिए आप जानते हो कि किस फोल्डर में कौन सा डेटा रखा हुआ है, ये देखिए ना, वी कैन नो, डायरेक्टरी के जरिए, फोल्डर के जरिए हमें पता चलता है विच डेटा इज इन विच डायरेक्टरी और फोल्डर, यानी एक फोल्डर जिसे हम डायरेक्टरी कहते हैं लिनक्स में, तो उसमें कौन सा डेटा पड़ा है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल दिखाता हूँ, लेब करवाता हूँ, देखिए सर, यहाँ पर अगर मैं इस फोल्डर पर जाऊँ तो इस नाम से क्या जाहिर हो रहा है, स्क्रीनशॉट्स का क्या मतलब है, मतलब इस केस में स्क्रीनशॉट्स हो रही है, सही हो गया। अब अगर मैं यहाँ पर आपको एक दूसरा फोल्डर दिखाऊँ ना, ये वाला, तो इससे क्या जाहिर हो रहा है, इसका मतलब है कि एक कॉलेज है, उसके कुछ मटीरियल होंगे ना, ये वाला, सही है। अगर मैं आपको और चीज़ें दिखाऊँ, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, सेशन ऑन 6 दिसंबर 2022 ट्यूजडे। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, उसका मतलब है कि मैंने इस दिन कुछ काम किया है ना, सेशन वाला लिया है। इस तरह अगर आपको और एग्जांपल दिखाऊँ, एक गूगल एड कोर्स पेड, तो ये एक गूगल एड्स का पेड कोर्स है, तो फोल्डर के नाम से जाहिर होता है ना कि इसमें अंदर क्या होगा, यानी फोल्डर के नाम से जाहिर होता है कि उसके अंदर कौन सा डेटा होगा, सही। अगर इस नाम से जाहिर होता है, फोर्टिनेट फाइव ट्रेन का क्या मतलब है, कि फोर्टिनेट फाइव का कुछ ट्रेनिंग मटीरियल है,
सही ना। तो इस तरह यदि कि एमसीसी लिख चुका, क्या मतलब है कि इसमें एमसीसी का एक कोर्स है पूरा, तो ये फोल्डर के नाम से जाहिर होते हैं ना, यदि कि थ्रू फोल्डर वी नो विच डेटा इज इन विच फोल्डर, यानी फोल्डर के नाम से हम जाहिर करते हैं कि एक फोल्डर के अंदर क्या पड़ा हुआ है, कौन सा डेटा पड़ा हुआ है। मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल अभी करवा दिया, हमें पता चला ना कि इस फोल्डर के नाम से पता चलता है कि इस फोल्डर में क्या डेटा हो। आगे बढ़ते हैं, अभी हमें समझना है, सही, ये बात याद रखें कि लिनक्स में जो सबसे ऊपर वाला फोल्डर होता है ना, जिसमें बहुत सारे फोल्डर होते हैं, सब फोल्डर, तो उस फोल्डर को हम कहते हैं रूट फोल्डर ना, और उसे हम जाहिर करते हैं स्लैश से। दोबारा बता रहा हूँ कि लिनक्स में जो रूट फोल्डर होता है ना, रूट फोल्डर, तो उसे हम जाहिर करते हैं स्लैश से। सही हो गया, रूट फोल्डर को हम स्लैश से जाहिर करते हैं, और ये सबका, इसके अंदर सब फोल्डर होते हैं, ये देखिए सब फोल्डर कौन कौन से हैं, छोटे छोटे फोल्डर इसके अंदर, बिन स्लैश, डॉट स्लैश, ईटीसी स्लैश, और ये वाला क्वेश्चन मुझसे इंटरव्यू में पूछा भी गया था, ये अक्सर लोग पूछते हैं, यूएसआर स्लैश, होम स्लैश, एलआईबी स्लैश, एसबीएन स्लैश, टीएमपी स्लैश, वीएआर स्लैश। इस तरह अगर यूजर का फोल्डर जो है ना इसके अंदर हम देखें, तो इसके अंदर भी सब फोल्डर हैं, बिन स्लैश, मेन स्लैश, लिब स्लैश, लोकल स्लैश, शेयर स्लैश। वेयर स्लैश के अंदर भी फिर सब फोल्डर है, लॉग स्लैश, लॉग स्लैश, टीएमपी स्लैश। तो ये अब क्या चीज़ है, एक एक फोल्डर का नाम तो हमें पता चल गया ना, आप लोगों के सामने मैंने आपको नाम बता दिया प्रैक्टिकली। अब मसला ये है ना कि आप कहेंगे कि सर आपने तो हमें नाम बताया ना फोल्डर के, जिसे हम डायरेक्टरी कहते हैं इंग्लिश में, आपने ये नहीं बताया जो आपने यहाँ पर लिखा हुआ था ना कि फोल्डर के नाम के जरिए पता चलाती है कि इसके अंदर क्या डेटा हुआ। तो आपने तो ये नहीं बताया ना, सिर्फ नाम बताए फोल्डर के, आपने तो ये नहीं बताया कि इन फोल्डर के अंदर कौन सा डेटा होगा, यानी इस नाम से क्या जाहिर होता है कि इसके अंदर क्या डेटा होगा, आपने तो नहीं ये नहीं बताया ना, तो ये मुझे बताना होगा तभी आप लोग इस पर समझेंगे। सही, तो उस पर आगे पूरे लेक्चर आ रहे हैं, एक एक टॉपिक है ना, हर एक फोल्डर पर आप पर समझ जाएंगे कि एक फोल्डर जो है उसका नाम ये है, तो उसके अंदर इस नाम के वाले से अंदर कौन सा डेटा पड़ा होगा ना, जो हमें यहाँ पर देखा कि फोल्डर के नाम से आप जाहिर कर सकते हैं कि उसके अंदर डेटा इज इन विच फोल्डर, के उसके फोल्डर के अंदर कौन सा डेटा पड़ा हुआ है, तो आप नाम से फिर आइंदा जाहिर कर सकते हैं कि अगर ये नाम है इस फोल्डर का, इसका मतलब है कि इसमें ये डेटा पड़ा होगा, इसमें ये डेटा पड़ा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर इस डायग्राम पर समझ नहीं है तो ये वाला इससे भी आसान है, इस पर समझो फिर एक ही चीज़ है, स्लैश क्या है, रूट फोल्डर यानी सबसे बड़ा फोल्डर, इसमें सारा काम शुरू से स्टार्ट होता है, इसके अंदर पिडलिन, इसके अंदर सब फोल्डर है, स्लैश बिन, स्लैश ईटीसी, स्लैश होम, चाहिए स्लैश ओपीटी, स्लैश टीएमपी, स्लैश यूएसआर और स्लैश वार। तो ये लेक्चर हमारे यहाँ पर खत्म हो चुका है, अब स्टार्ट करने वाले लेक्चर नंबर से। अगर किसी का क्वेश्चन क्वेश्चन है तो बताइए चैट बॉक्स में, अगर नहीं है तो बताइए क्लियर, ताकि मैं अगला लेक्चर स्टार्ट कर सकूँ। वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स। कोई क्वेश्चन नहीं। जबरदस्त, वेटिंग फॉर रमीशा अजीज। नो क्वेश्चन, जबरदस्त, फिर भी कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। सही, आई विल अप्रिशिएट। ये पर खत्म हो जाते हैं लेक्चर 6, नाउ स्टार्टिंग लेक्चर नंबर 7। कंफ्यूज मत रहिए, कंफ्यूज होंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ सकोगे, खैर पूछा करो, जो भी मसले में दोबारा समझाऊंगा। सही, अगर प्रैक्टिकली देखना है ना, ये तो मैंने थ्योरेटिकल बताया ना डायग्राम्स के जरिए फोल्डर के बारे में ना, जिसे हम डायरेक्टरी कहते हैं। चलिए एक काम करते हैं, इसे थोड़ा प्रैक्टिकल समझते हैं ना कि ये असल में होता कैसे, ये फोल्डर सारा। तो देखिए जरा, ये लिनक्स का जीयूआई बेस है ना थोड़ा, तो उसमें आपको समझाया गया कि फोल्डर किस तरह होते हैं। ये देखिए होम फोल्डर है, होम फोल्डर किसके अंदर होते हैं, मैंने आपको अभी बताया, रूट के अंदर होते हैं। देखिए होम कहाँ पर है, होम, ये देखिए एच ओ एम ई होम, ये फोल्डर कहाँ पर पड़ा होता है, रूट के अंदर, यानी कि स्लैश, स्लैश का मतलब रूट फोल्डर। तो अब देखें यहाँ पर प्रैक्टिकली, ये कौन सा फोल्डर के अंदर है, हम स्लैश का मतलब रूट, रूट फोल्डर के अंदर हम है ना, इसके अंदर हम किस फोल्डर में हैं, होम फोल्डर में। सही है, फिर हम किस फोल्डर में हैं, फाइल सिस्टम में, फिर उसके अंदर होम के अंदर क्या है, होम फोल्डर के अंदर क्या 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 है, तो बिन है, लिब है, रूट है, टीम पी है, यूएसआर है, रन है, लॉस प्लस फाउंड, बूट, सीडी रोम, मीडिया, sbin, war, dev, mnt,
सी लिनक्स एन एट आर डी डॉट आई एम जी ई टी सी ओ पी टी एस आर वी वी एम लाइनस होम पीरो प्रोक और सिस प्रोक और सिस। तो ये कुछ फोल्डर के नाम थे, इसके बारे में मजीद भी आगे पढ़ेंगे तफसीली। डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, ये तो मैंने आपको समझा भी है, दोबारा समझा रहा हूँ। पहले क्या होता है स्लैश रूट फोल्डर, बार बार चीजें कह रहा हूँ डिफरेंट डायग्राम के जरिए समझा रहा हूँ ताकि आप लोग क्लियर हो जाए, सही है। स्लैश क्या होता है, रूट डायरेक्टरी यानी रूट फोल्डर। तो रूट डायरेक्टरी फॉर द एंटायर फाइल सिस्टम यानी लिनक्स का जो फाइल सिस्टम है उसके लिए, यानी क्या एंटायर फाइल सिस्टम यानी इंटायर फाइल सिस्टम के लिए जो डायरेक्टरी है ना, जिस फोल्डर के अंदर सारा सिस्टम है फाइल यानी उसमें सारे फोल्डर है, तो उसे हम कहते हैं रूट स्लैश होता है, सही। तो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा ना ताकि आप लोगों को याद रहे। रूट फोल्डर को हम क्या क्या कहते हैं, रूट डायरेक्टरी कहते हैं, सही। लिनक्स में इट इज यूज फॉर एंटायर और ऑल लिनक्स फाइल सिस्टम, यानी लिनक्स में जितने फाइल्स वगैरह है ना वो इस फोल्डर के अंदर होते हैं, सही। उस फोल्डर में फिर सब फोल्डर होते हैं, फिर उसके अंदर सारे होते हैं, सही। अब देखिए जरा दोबारा बता रहा हूँ, रूट डायरेक्टरी, ये रूट डायरेक्टरी है, रूट फोल्डर है फॉर द एंटायर फाइल सिस्टम, जिन लिनक्स का जितना भी फाइल सिस्टम है सारे फाइल सिस्टम के लिए एक रूट डायरेक्टरी है, या से डायरेक्टरी शुरू होती है, फोल्डर शुरू होता है। अब यहाँ पर देखिए इसके अंदर सब डायरेक्टरी स्ट्रक्चर का मतलब है कि फोल्डर, फोल्डर का स्ट्रक्चर। तो फोल्डर में पहले क्या होता है, एंटायर फाइल सिस्टम, पूरे फाइल सिस्टम के लिए एक रूट डायरेक्टरी होता है, रूट फोल्डर होता है, उसके अंदर सब फोल्डर होते हैं, तो उसके अंदर सब फोल्डर, ये पूरा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है लिनक्स का ना, फोल्डर का स्ट्रक्चर। तो रूट के बारे में हमने पढ़ लिया, अब इसके अंदर जो सब फोल्डर है सर, चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। बिन स्लैश, एक बार बताऊ ना आप लोगों ने याद रखना है कि जो भी फोल्डर है ना, सही है, सब फोल्डर रूट का जो पार्ट है, तो उसका नाम जो है वो स्लैश से पहले लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि स्लैश रूट को जाहिर करता है, जब आप स्लैश से पहले लिखते हो उसका मतलब है कि ये रूट का सब फोल्डर है। इस बात को समझो ना, स्लैश का मतलब है रूट फोल्डर, और अगर स्लैश से पहले आपने कोई नाम लिखा इसका मतलब है कि ये रूट का सब फोल्डर है। स्लैश हम इसलिए लगाते हैं कि ये जाहिर करता है कि ये रूट का हिस्सा है, यदि सब में स्लैश क्यों लगाए कि ये रूट का पार्ट है, यदि कि स्लैश 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 और उनको फोल्डर का नाम है, सही ना, क्योंकि ये क्या चीज़ है, स्लैश रूट, इसका मतलब है कि ये फोल्डर रूट का पार्ट है, पार्ट है ना, यदि ये पूरा फोल्डर का स्ट्रक्चर है, डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर है, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर हमारा टॉपिक है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं ना, और आपको पता है मैं आपको यहाँ पर जो यहाँ पर कुछ चीज़ें बता रहा हूँ ना, इसके सामने जो लिखी हुई है, तो एक शॉर्टली मैं बता रहा हूँ ना कि ये क्या क्या काम करते हैं, इसके बारे में आगे तफसील लेने के एक फोल्डर के बारे में बताऊँगा तफसील, ताकि आपको और भी डिटेल में पता चले ना, ताकि क्लियर हो जाए। तो चलिए पहले शॉर्टली पढ़ते हैं, इसके बाद एक एक को तफसील पढ़ते हैं। तो बिन स्लैश किस लिए यूज होता है, चलिए मुझे ये सब करना पड़ेगा यहाँ पर। Where is RHCSA folder? Let me search. ये तो ये रफ 28 नंबर लेक्चर है। ओके मैम, तो पहले हम किस चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, बिन स्लैश के बारे में, सही है। पहले तो स्लैश होता है ना रूट डायरेक्टरी, इसके बारे में तो हमने इतना पढ़ा कि आप लोगों को याद हो गया होगा। उसके बाद इसके अंदर इसके बाद क्या होता है, इसके अंदर सब फोल्डर होते हैं, यानी इसके अंदर जो फोल्डर होते हैं पूरा एंटायर फाइल सिस्टम इसके अंदर होता है ना। तो अगर एक फोल्डर उसका नाम बिन है, तो ये बात याद रखना कि उसका बिन नाम तो बिन होगा, मगर उसके साथ आखिर में स्लैश इसलिए लगेगा कि स्लैश जाहिर करते हैं रूट डायरेक्टरी, और अगर एक नाम के बाद स्लैश होता है इसका मतलब है कि ये फोल्डर है और ये सब फोल्डर है रूट फोल्डर का, रूट डायरेक्टरी का एक डायरेक्टरी है, उसका एक पार्ट है, स्लैश रूट को जाहिर करते हैं, सही है। तो आगे बढ़ते हैं, तो बिन स्लैश, बिन स्लैश किस किस चीज के लिए यूज होते हैं, एसेंशियल यूजर कमांड, यानी
आसान अल्फाज में अगर समझाऊँ ना आसान अल्फाज में तो मतलब ये कि इम्पोर्टेंट यूजर कमांड्स, बात का मतलब ये कि जो यूजर कमांड्स है ना, जो यूजर इनपुट करता है तो उसमें जो इम्पोर्टेंट कमांड होते हैं ना उसके बारे में ये फॉल्ट है। सही, तो ये हमारा हो गया बिन। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे फोल्डर के बारे में बात करते हैं। इसके बारे में हम तफसीलन पढ़ेंगे, सही नहीं, की चीज ये खत्म नहीं हुआ है पर बिन। इसके बारे और भी फोल्डर है ना, पहले शॉर्टली सबके डिफिनेशन बता रहा हूँ, इसके बाद फिर तफसीलन बताऊंगा एक चीज इसके बारे में, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो दूसरे फोल्डर का नाम है बूट स्लैश, बूट स्लैश। सही, तो बूट स्लैश में क्या होता है, बूट लोडर्स फाइल्स। बूट लोडर्स फाइल्स को अगर आसानी में समझाऊं ना तो फाइल्स यूज्ड फॉर बूटिंग सिस्टम, मतलब ये कि लिनक्स का जो सिस्टम बूट होता है ना, बूटिंग प्रोसेस आप जाते होंगे ना, जब सिस्टम स्टार्ट होता है, बूट होता है स्टार्टअप होने के लिए, तो जो फाइल्स यूज होती है ना फाइल्स बूटिंग के लिए, कि एक सिस्टम बूट हो जाए स्टार्ट हो जाए, तो जो फाइल्स उसके लिए यूज होती है तो वो किस फोल्डर के अंदर होती है, बूट फोल्डर के अंदर। और नाम से जारी किस बूट फोल्डर के अंदर क्या होगा, बूट फाइल्स होंगी, तो सिस्टम को बूट करने में क्या करती है, हेल्पफुल होती है, मदद करती है। जाहिर बात है, मतलब कुछ डिफिकल्ट कुछ भी नहीं। आगे बढ़ती है, अगला हमारा फोल्डर का नाम है डेव स्लैश। सही, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। डेव स्लैश, तो जाहिर है डिव का मतलब डिवाइस, तो जाहिर इसमें कौन सी फाइल होंगी, फाइल्स यूज्ड फॉर डिवाइस, यानी जो डिवाइस के लिए इंपॉर्टेंट फाइल्स होती है ना तो वो इस फोल्डर के अंदर होगी। डिव का मतलब है डिवाइस, तो जाहिर डिवाइस के लिए जो फाइल होगी, फाइल यूज फॉर डिवाइस, तो वो क्या होंगी, वो डिव फोल्डर के अंदर होगी। सही, नाम से जाहिर है ना, जरा नाम को देखा करो फिर आप समझ जाएंगे। अगले फोल्डर का नाम क्या है, ETC, और यही क्वेश्चन मुझे पूछा गया है तो ETC में क्या होता है, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, फाइल्स यूज्ड फॉर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिस्टम, इस पर समझाता हूँ। सही, किस बात का क्या मतलब, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब जानो, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है ना, फॉर एग्जांपल आपको मैं यहाँ पर अभी दिखाता हूँ प्रैक्टिकल कॉन्फ़िगरेशन कैसे कहते हैं। अगर हम विंडो में कॉन्फ़िगरेशन की बात करें ना, तो आप यहाँ पर आओ, नेटवर्क सेटिंग में जाओ, यहाँ पर क्लिक करो, चेंज अडाप्टर ऑप्शन, यहाँ पर वाई फाई पर आओ, यहाँ पर प्रॉपर्टीज में आओ, यहाँ पर IP4 में जाओ, डबल क्लिक करो और यूज द फॉलोइंग IP एड्रेस, या पर आप अपना IP दे सकते हो, तो ये आप कॉन्फ़िगर कर रहे हो IP एड्रेस। इस तरह आप फायरवॉल कॉन्फ़िगर कर सकते हो, रूल्स बना सकते हो, कैसे देखो जरा, यहाँ पर लिखो सर्च बार में फायरवॉल, यहाँ पर जाओ विंडोज फायरवॉल में, देखो जरा, यहाँ पर अगर मैं आऊँ ना तो मैं विंडो को कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं ऑफ भी कर सकता हूँ, ऑन भी, ये कॉन्फ़िगरेशन है सारा। तो अब खुद बताइए, अगर लिनक्स में हम बात करें ना, तो इसके लिए एक फोल्डर होता है ना, उसके लिए उस फोल्डर के अंदर कुछ फाइल्स होती है, सही है, जो यूज होती है कि सिस्टम को कॉन्फ़िगर करे, यानी ऑटोमेटिकली, आपको नहीं करना पड़ता ना, ऑटोमेटिकली। तो वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स कहाँ पड़ी होती है, ETC फोल्डर में। ETC का मतलब है कि वो फोल्डर जिसके अंदर वो फाइल्स होंगी जो सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज होती है, चाहे वो IP कॉन्फ़िगरेशन हो, फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन, जो भी हो। सही,
जब आप लोग बोर हो जाए ना और आप कहेंगे कि बस इतना काफी है, फिर परसों पढ़ेंगे तो आप चेक बॉक्स में कह सकते हैं, सही, कि मैं नहीं चाहता आप बोर हो जाए और फिर आप कंफ्यूज रहे, मैं चाहता हूँ आप क्लियर रहे। आगे बढ़ते हैं होम स्लैश के बारे में, सही, यानी होम स्लैश का मतलब है होम फोल्डर और स्लैश का क्या मतलब है कि ये रूट फोल्डर का सब फोल्डर है। तो होम स्लैश में क्या होता है, चलिए हम समझते हैं। इसमें यूजर होम डायरेक्टरीज, मतलब ये कि एक फॉर एग्जांपल होम डायरेक्टरीज का मतलब यूजर होम डायरेक्टरीज ना, यानी यूजर है तो उसके जो होम फोल्डर्स है ना, यानी डेस्कटॉप पर जो फोल्डर्स है, यानी बेसिक फोल्डर्स है, तो वो होम फोल्डर के होते हैं ना। तो हम इसमें बात करेंगे, दोबारा बता देता हूँ, ये देखिए यूजर होम डायरेक्टरीज के अंदर खुद डायरेक्टरीज होती है, किस तरह, ये देखिए सर मैं पर आपको दिखाता हूँ, मैंने दिखाया भी था, दोबारा दिखाता हूँ। कहा गया ये है, देखिए जरा रूट फोल्डर के अंदर क्या चीज है, होम फोल्डर है तो ये होम स्लैश हो जाएगा, और इसके अंदर पर क्या है, पूरे इसके अंदर फोल्डर है ना। तो मैं इसकी बात कर रहा था ना कि होम के अंदर क्या होते हैं, खुद उसके अंदर डायरेक्टरीज होती है, उसके अंदर खुद भी सब फोल्डर होते हैं, तो उसको हम कहते हैं यूजर होम डायरेक्टरी, यानी यूजर होम फोल्डर, यानी वो फोल्डर होते हैं ना, वो फोल्डर जो यूजर के होते हैं, सही ना। यूजर के कैसे, मैं आपको विंडो का एग्जांपल दूं, देखिए जरा आप डिस पीसी में जाइए, यहाँ पर जाइए, यूजर्स का फोल्डर है ना, होम यूजर्स है ना, सही है, यानी यूजर्स का होम फोल्डर ये विंडो हो गया। और हम क्या पढ़ रहे थे यहाँ पर कि होम स्लैश का क्या मतलब है, कि ये स्लैश का मतलब है रूट फोल्डर, होम का मतलब है एक फोल्डर है जो रूट फोल्डर के अंदर है, ये तो हो गया। अब इसके अंदर ये फोल्डर है, उसका मतलब है कि यूजर होम डायरेक्टरीज, यानी इसके अंदर पर डायरेक्टरीज है, इसके अंदर सब फोल्डर्स हैं, किस तरह और कौन सी है, यूजर होम, देखिए यूजर होम विंडो के अंदर आपको दिखाऊँ ना, देखिए ये क्या चीज़ है, ये यूजर फोल्डर है ना, तो ये यूजर होम फोल्डर है, सही, होम फोल्डर है, तो इसके अंदर क्या है, मजीद सब फोल्डर है ना, यूजर होम फोल्डर से हम कहते हैं विंडो में, और लिनक्स में हमें क्या कहते हैं, यूजर होम डायरेक्टरीज, तो ये तो बजाते खुद क्या चीज है, यूजर का फोल्डर है, यानी कि फिर इसके अंदर सब फोल्डर नजर आया, इस तरह लिनक्स में भी इसके अंदर सब फोल्डर होते हैं, इस तरह से तो यूजर होम डायरेक्टरीज इसके अंदर होती है, यूजर होम फोल्डर, और इसे हम डायरेक्टरी भी कहते हैं। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है तो परेशान मत हो, क्योंकि बेसिकली हमने ये ख़त्म नहीं किया है पर ना कि होम और ये तो बेसिकली हम इसके बारे में तफसील एक ही चीज़ पढ़ेंगे, ये आएगा दोबारा में फिर आप लोग क्लियर होंगे, क्योंकि मैं तफसील इस तरह नहीं समझाया ना, तो मैं शॉर्टली बता रहा हूँ, तफसील आगे समझाऊंगा फिर आप क्लियर होंगे, ये पहले से बता रहा हूँ, अगर कन्फ्यूज है तो खैर है, कोई बात नहीं है, क्योंकि मैंने इस तरह आप लोगों को नहीं समझाया ना जिस तरह समझाना चाहिए, मैं सिर्फ शॉर्टली समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को पहले से पता चले कि क्या चीज़ होता है, सही ना, कि ये फोल्डर का नाम है, इस नाम से जाहिर होता है कि इसके अंदर ये डेटा होगा, पहले ये समझा रहा हूँ, फिर इसके अंदर जो एडवांस बात है डिटेल में समझाना वो आगे समझाऊंगा, सही ना, ये आएगा पूरे इस चैप्टर के अंदर है, क्योंकि चैप्टर का नाम यही है ना कि लिनक्स डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, लिनक्स डायरेक्टरी स्ट्रक्चर चैप्टर टू का नाम है, चैप्टर वन खत्म है, इंट्रोडक्शन टू लिनक्स, अब हमने स्टार्ट किया चैप्टर टू लिनक्स डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, इसमें हम तफसील में पढ़ेंगे लिनक्स के एक एक फोल्डर एक एक डायरेक्टरी के स्ट्रक्चर के बारे में, तो उसके अंदर क्या क्या होते हैं, उसके अंदर कौन से डेटा होते हैं, चैप्टर टू में हम ये पढ़ेंगे, फिर चैप्टर थ्री स्टार्ट करेंगे, शॉर्टली हम आपको पहले पूरा कवर करा रहे हैं ताकि आप लोग थोड़ा आइडिया लें, फिर हम आपको पढ़ाएंगे तफसीली ताकि आप क्लियर हो जाए, सही ना, तो क्लियर आप तफसीली पढ़ोगे, इसके बाद लिनक्स का जो फोल्डर का स्ट्रक्चर है उसके अंदर क्या होता है, कौन से डेटा होते हैं, तो जैसे हम डायरेक्टरी स्ट्रक्चर कहते हैं, तो चैप्टर टू खत्म हो जाएगा, फिर हम चैप्टर थ्री स्टार्ट करेंगे, सही, तो आगे बढ़ते हैं, होम फोल्डर तो हो गया, सही,
बॉक्स में तो कोई क्वेश्चन नहीं है, फिर भी क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, सही है, आई विल स्कोर। तो अगला फोल्ड का नाम है लिप स्लैश। देखिए, एसेंशियल शर्ट लाइब्रेरीज एंड कर्नल मॉड्यूल, सही है। आसान अल्फाज में अगर आपको समझाऊ ना, आसान अल्फाज में, तो आसान अल्फाज में इसका मतलब है लाइब्रेरी फोल्डर्स, सॉरी लाइब्रेरी फाइल्स, यानी इस फोल्डर के अंदर लाइब्रेरी फाइल होते हैं, सिंपल इज डेथ। अपने आपको कंफ्यूज मत करें बहुत ज्यादा, इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सही। एक्स्ट्रा बात को इग्नोर करें, जो जरूरी बात है उसे पिकअप करें, सही। रफ 34, अगर आप एक चीज को कॉम्प्लिकेटेड बनाते जाएंगे ना, तो आप कभी भी उस पर नहीं समझेंगे, समझ जाएंगे, ये नहीं कह रहा आप जितने इंटेलिजेंट हो, मगर इतने सारे फोल्ड रहेंगे, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये किस चीज के लिए था, ये किस चीज के लिए, फिर आप उल्टा कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर आपको फिर एक चीज भी सही से नहीं आएगी, सही ना। तो हमने कभी भी कंफ्यूजन में मत डाली, कंफ्यूज इंसान जो है ना वो कभी आगे नहीं पढ़ता, सही ना। हमने कभी भी कंफ्यूजन में मत डाली, तो मेरा एक राय है आप लोगों के लिए, सही ना, इस पर अमल करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अगला फोल्डर हमारा कौन सा है। अगला है रूट, ये तो मैंने आपको समझा भी दिया, मगर ये वाला नहीं, ये कुछ और है, सही ना। ये तो रूट फोल्डर है ना, ये भी रूट फोल्डर है ना, मगर सेम है, मगर इन दोनों में थोड़ा फर्क है, सही है। देखिए जरा, सुपर यूजर्स होम डायरेक्टरी, यानी इसके अंदर फोल्डर होते हैं यूजर होम के, मगर सुपर यूजर होम के, सही ना, सुपर यूजर्स होम डायरेक्टरी, यानी यूजर के टाइप होते हैं, इसमें सुपर यूजर और जनरल यूजर इस तरह होता है। तो वो जो मैंने आपको समझाया था, ये वाला यूजर होम डायरेक्टरी, इसका मतलब है कि होम फोल्डर के अंदर मजीद फोल्डर होते हैं आम यूजर के लिए, और रूट से इसका मतलब है कि इसमें भी यूजर की होम फोल्डर होते हैं इस फोल्डर के अंदर, मगर सुपर यूजर के। रूट स्लैश का मतलब है, अगर इसके साथ कंपेयर करो तो इसके साथ रूट नहीं लिखा हुआ, इसके साथ लिखा हुआ, इसका मतलब है कि ये एक फोल्डर है, और ये स्लैश का मतलब है कि ये रूट डायरेक्टरी, रूट फोल्डर का ये हिस्सा है। नाम में डिफरेंस है, लेकिन डिफरेंस ये है कि ये इसमें सिर्फ स्लैश है, इसमें रूट स्लैश है। वैसे भी हम रूट डायरेक्टरी कहते हैं, इसमें भी रूट डायरेक्टरी कहते हैं, यानी बोल एक जैसा जाता है, मगर लिखा डिफरेंट जाता है ना। और इसके अंदर सब फोल्डर होते हैं, और इसके अंदर वो फोल्डर होते हैं जो सुपर यूजर के होते हैं, और अगर इसके साथ कंपेयर करें तो इसके अंदर वो फोल्डर होते हैं जो आम यूजर के होते हैं, सही। इसके बारे में हमने अब तफसीली पढ़ना है, सही। तो मैं क्या कह रहा था यहाँ पर कि हमने क्या पढ़ा, हमने लाइब्रेरी वाला पढ़ा, अब हम रूट के पढ़ने जा रहे हैं, सही, रूट स्लैश। मैं इस पर समझाता हूँ, फिर इसके बाद कंपेरिजन करें। देखते हैं मेरे पास कितना टाइम है, तकरीबन 10 मिनट्स। इसके बाद 9 o'clock पर मेरा CCNA प्लस CNP बैच 5 का सेशन 29 होगा, आई थिंक 28, 9 से लेकर 11 PM तक। तो उसमें स्टूडेंट वेट करेंगे, तो इसलिए मैं वहाँ पर जाऊँगा, सॉरी फॉर दैट। चलिए यहाँ पर आपको समझा तो मजीद, एक यूजर होता है जिसे हम कहते हैं सुपर यूजर, तो सुपर यूजर के जो होम फोल्डर होते हैं ना, तो वो इस फोल्डर के अंदर होते हैं, जिसे हम डायरेक्टरी कहते हैं। तो वो डायरेक्टरी कहाँ पर होती हैं, वो इस फोल्डर के अंदर होते हैं। अब थोड़ा कंपैरिजन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं और फोल्डर की तरफ से, क्योंकि कंपैरिजन करना भी जरूरी होगा, कि अगर नहीं किया तो फिर आप लोग कन्फ्यूज रहेंगे ना कि रूट रूट सर बोले जा रहे और यहाँ पर एक नया रूट आ गए, इसका क्या मतलब, तो आपको समझाना पड़ेगा। चलिए समझाता हूँ, फर्स्ट मुझे बताइए क्या क्या चीज था। फर्स्ट है स्लैश, फिर कौन सा था, स्लैश सॉरी रूट स्लैश, फिर होम स्लैश, इन तीनों का हमने कंपैरिजन करना है, सही, और ये करना जरूरी है। सॉरी फॉर द स्पेलिंग, दोबारा लिख लेता हूँ।
होम स्लैश। अब देखिए जरा, हमने अभी से तफसीलें समझने हैं, सही। अगर नहीं समझे तो फिर आगे मुश्किलात होगी, तो पहले से बता रहा ना कि आगे मुश्किलात होगी। अगर इस पर कंफ्यूज रहे तो कंफ्यूज बिल्कुल ना रहो, जो बता रहा हूँ उसे समझो। अगर नहीं समझते कहो दोबारा समझाओ या किसी दूसरे तरीके से समझाओ तो समझाऊंगा, मगर चुप ना रहो ना, क्वेश्चन नहीं तो पूछा करो। ये क्या होता है? ये रूट डायरेक्टरी है, सही है। ये क्या चीज है? ये भी रूट डायरेक्टरी है। मैं कहा ना कि नाम एक जैसा बोला जाता है इनका, मगर लिखा डिफरेंट जाता है। कैसे? ये स्लैश लिखा जाता है, ये रूट स्लैश। अगर इसका बात करें तो ये क्या चीज है? ये होम डायरेक्टरी, यानी होम का एक फोल्डर है ना। इसके अंदर क्या होता है? क्वेश्चन है मेरा कि इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर इनसाइड दिस डायरेक्टरी ऑल लिनक्स फाइल सिस्टम एग्जिस्ट, यानी इसके अंदर पूरा से लिनक्स का फाइल सिस्टम होता है। इसके अंदर सब फोल्डर होते हैं। किस तरह से रिपीटिवली बताता हूँ, यानी कि ये फोल्डर है ना रूट डायरेक्टरी फॉर इन द टाइम फाइल सिस्टम, यानी कि इसमें पूरा फाइल सिस्टम है, पूरे फोल्डर सब फोल्डर इसके अंदर है। हो गया, अब इसकी तरफ आते हैं। ये क्या चीज़ है? मैं तो बताया था ना कि अगर स्लैश की से पहले एक नाम आया तो इसका मतलब ये फोल्डर है, मगर ये रूट का पार्ट है, यानी इस रूट का पार्ट है। तो इसमें काम क्या करेंगे? ये इट इज अ सब फोल्डर इनसाइड स्लैश, यानी ये रूट डायरेक्टरी के अंदर एक सब फोल्डर है, इसका नाम है रूट स्लैश। इसके अंदर क्या होता है? सुपर यूजर होम डायरेक्टरी होता है, यानी inside this folder, inside this directory, there are super user home folders or directories, सही। अगर इसकी बात करें तो ये क्या चीज़ है? ये तो आपको पता होगा ना, यानी नाम है उसके बाद slash, इसका मतलब है कि ये root folder का हिस्सा है और home इसका नाम है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब it is a sub folder इनसाइड स्लैश, यानी रूट फोल्डर का ये एक सब फोल्डर होगा, सही। फिर क्या है? इनसाइड दिस डायरेक्टरी या फोल्डर जिसे हम कहते हैं, देयर आर यूजर होम फोल्डर और डायरेक्टरीज, यानी इस फोल्डर के अंदर क्या होता है? होम फोल्डर, होम है ना यार, होम लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? होम। तो होम फोल्डर होंगे ना इसके अंदर, होम सब फोल्डर होंगे। किसके होंगे? यूजर के। अगर इसकी बात करें इसमें भी होम सब फोल्डर होंगे, मगर किसके? आम यूजर के नहीं, कौन से यूजर के? सुपर यूजर के। इसमें क्या होगा? इसमें पूरा लिनक्स का एंटायर फाइल सिस्टम होगा, यानी सब फोल्डर होंगे। तो अगर अब भी नहीं क्लियर तो बताइए, क्वेश्चन पूछिए प्लीज। आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, क्वेश्चन पूछिए। अगेन मैं कह रहा हूँ जल्दी से दोनों रिस्पॉन्स दीजिए, अभी मैं वेट कर रहा हूँ चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स। तो चलिए देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आए हैं। तो अभी तक रहमान ने कहा है नो क्वेश्चन, जबरदस्त आप क्लियर है, मगर फिर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए रमेश अजीज की जानिब बढ़ते हैं। वो कह रही है सुपर यूजर और यूजर में डिफरेंस, जबरदस्त। बेसिकली आपको ये पता होगा ना विंडोज में कि हमारे पास दो किस्म के यूजर होते हैं ना, एक कौन कहते एडमिनिस्ट्रेटर और एक कौन कहते स्टैंडर्ड, यानी स्टैंडर्ड का मतलब है कि एक आम यूजर, एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब है कि वो यूजर जो हर कोई काम कर सकता है, सही है, यानी पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकते हैं सारी चीजें। और स्टैंडर्ड यूजर का मतलब है विंडो में कि एक ऐसा यूजर जिसके पास बहुत ज्यादा रहता ना। तो इस तरह लिनक्स में भी ऐसा होता है ना, मगर हम कहते हैं सुपर यूजर और यूजर। सुपर यूजर का मतलब उसके पास पूरे इख्तियार होते हैं, उसके पास रूट फोल्डर का एक्सेस होता है। यूजर के पास ना रूट फोल्डर का एक्सेस होता है ना कुछ बड़े इख्तियार होते हैं, वो सिंपल अपने काम के लिए यूज कर सकते हैं बस। सुपर यूजर के पास पूरी फंक्शनलिटी होती है कि वो जिस चीज के लिए यूज करना चाहे वो यूज कर सकता है। तो ये इनके दरमियान डिफरेंस है, सही है ना। अब रिस्पॉन्स दीजिए कि क्लियर के नहीं।
मेरे पास बहुत ही कम टाइम है, तकरीबन 3 मिनट्स है। तो यस, जबरदस्त। फिर भी कोई क्वेश्चन नहीं, आप लोग पूछ सकते, सही। मैं नहीं चाहता आप लोग कंफ्यूज रहे। या पर रमीश है, जिसकी जानब से रिस्पॉन्स आया कि येस क्लियर, थैंक यू, यू आर ऑलवेज वेलकम एंड यू कैन आस्क क्वेश्चन एनी टाइम। तो आगे बढ़ते हैं, मैं सेव करता हूँ, इंशाल्लाह जब सेशन ख़त्म हो जाएगा मैं आप लोगों के साथ नोट्स भी शेयर करूँगा और रिकॉर्डिंग प्रीवियस भी शेयर करूँगा और ये वाली भी, सही है। तो लेट मी सेव दिस फर्स्ट। तो हमने कहाँ तक पढ़ा, रूट तक। अब हम प्रोग से प्रोग पढ़ेंगे, सही, प्रोग प्रोग स्लैश। तो इसमें क्या होता है, चलिए समझते हैं। वर्चुअल फाइल्स, प्रोसेस स्टेटस टेक्स्ट फाइल्स, प्रोसेस टेक्स्ट स्टेटस टेक्स्ट फाइल्स। तो आसान अल्फाज में एक, इन दिस फोल्डर देयर आर वर्चुअल फाइल्स यूज्ड फॉर चेकिंग स्टेटस ऑफ .txt फाइल्स। मतलब आसान अल्फाज में, लेट मी कंफर्म दिस। तो प्रोसेस स्टेटस टेक्स्ट फाइल, सही है, सही हो गया, जबरदस्त। इसे आप लोगों ने समझना है ना, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कम है, तो मैंने डीप भी करना है, वैसे कभी 9 o'clock पर मैंने जाना है और तकरीबन 1 मिनट है मेरे पास ना, तो यहाँ पर ख़त्म करते हैं बस, इस पर समझाता हूँ। प्रोग का मतलब है प्रोसेस, प्रोसेस यानी इस फोल्डर के अंदर क्या होता है, एक ऐसे फाइल्स होते हैं वर्चुअल फाइल्स, सही है ना, जो यूज़ होते हैं .txt फाइल्स के स्टेटस चेक करने के लिए, यानी उस पर प्रोसेस किया जाता है ना, .txt फाइल्स पर प्रोसेस किया जाता है ऑटोमेटिकली, वर्चुअल फाइल्स में वो उसका स्टेटस सेव किया जाता है। तो वो फाइल्स प्रोग फोल्डर के अंदर होते हैं, प्रोग का मतलब प्रोसेस, वो प्रोसेस किए जाते हैं .txt फाइल्स के उसका स्टेटस क्या है, और वो वर्चुअल फाइल्स की शक्ल में मौजूद होता है प्रोग फोल्डर के अंदर। तो चलिए मैं आपको इसका विंडो के अंदर एक एग्जाम्पल देता हूँ। ये क्या चीज़ है, .txt फाइल है ना, अगर मैं इसका स्टेटस चेक करूँ तो क्या स्टेटस है, type a test document size a 249 bytes date modified 26/20/22/7:13 PM। ये पूरा इसका स्टेटस है, सही है। तो लिनक्स में क्या होता है, लिनक्स में ये पूरा स्टेटस कौन चेक करता है, प्रोग फोल्डर। इसके अंदर फाइल से शक्ल में ये पूरा स्टेटस जो है ना वो सेव होता है, ये 249 bytes ये सारी चीजें सेव होती है, इसका स्टेटस जो है ना ये सेव होता है वर्चुअल फाइल्स की शक्ल में, किस फोल्डर में, प्रोग फोल्डर में, सही है। तो लेट मी सेव इट, और मैं आप लोगों से इजाज़त मांगूंगा, अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो, क्योंकि मेरा क्लास है, मैंने वहाँ पर जाने है। तो हमने कहाँ तक पढ़ा, प्रोग तक ना, मीडिया स्लेश हम स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग याद रखना, सही है। वेडनेसडे को आप लोगों की छुट्टी होगी, थर्सडे को प्रेसेशन होगा और 9 to 10 PM होगा, सही। तो मीडिया स्लेश हम स्टार्ट करेंगे और प्रोग स्लेश तक पढ़ा, सही है। अब अगर किसी का क्वेश्चन हो तो जल्दी से पूछिए ताकि हम सेशन को एंड कर सकें, तो मैं चैट बॉक्स में वेट कर रहा हूँ, मेरा जी जगह क्वेश्चन पूछ सकते, सही, आई विल अप्रिशिएट। रविशा जी कह रही नो क्वेश्चन, थैंक यू सो मच रविशा जी, इज योर क्लियर, होप यू हैव एंजॉयड द सेशन, वेटिंग फॉर वलीदुर रहमान रिस्पॉन्स, देन वी विल फिनिश दिस सेशन। तो वलीदुर रहमान कह रहे क्लियर, थैंक यू सो मच, आप क्लियर हैं, तो माई प्लेजर रविशा जी कह रही है, थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह मिलते हैं थर्सडे को 9 to 10 PM। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।